हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है क्योंकि इसमें अपने कोई विशेष लक्षण नहीं होते। कई बार रोगियों को सिरदर्द, चकराने की शिकायत होती है, लेकिन ज्यादातर बार मस्तिष्क, हृदय, किडनी और आंखों तक प्रसर होता है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और इसमें मैं थोड़ा लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में भी बीपी काफ़ी सामान्य रूप से पाई जाने लगी है। इसमें ज़्यादातर लोगों का जो लाइफस्टाइल आजकल है वो भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, और बाकी और भी कई कारण हैं, जैसे कि किसी का जेनेटिक हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो, तो उन लोगों में ब्लड प्रेशर काफ़ी प्रेगनेंसी में कॉमन होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में बीपी दो तरह की हो सकती है, या तो किसी को पहले से बीपी की शिकायत हो और वो गर्भवती हो जाए, या फिर गर्भावस्था के दौरान बीपी हो सकती है किसी को। तो जो गर्भावस्था के दौरान होती है उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, और हम लोगों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि काफ़ी ज़रूरी होती है गर्भावस्था में बीपी की मॉनिटरिंग करना। अगर किसी को लगता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, या पूरे बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग की अनुभूति होती है, तो लोगों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और किसी भी डॉक्टर को भी जो हम लोग ANC चेकअप करते हैं तो उसमें बीपी का बहुत अहम रोल होता है, और कितना वेट गेन करती हैं कोई भी गर्भवती महिला, मान लीजिए जरूरत से ज़्यादा किसी का वेट गेन हो रहा है, तो भी वो भी हम लोग को एक शक देता है कि इनकी बीपी ज़्यादा हो सकती है, और हम लोग सारा उसके लिए उपचार करते हैं। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट करते हैं, लोगों को नमक कम खाना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत भारी एक्सरसाइज तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत वॉकिंग वगैरह लोग कर सकते हैं। और फिर अगर बीपी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हम लोग बीपी की दवा भी शुरू करते हैं। उसमें हम लोग फिर देखते हैं कि हम लोग को प्रेगनेंसी में जो बीपी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रखने का रहता है ना, और 110/70 ये हम लोग नॉर्मल मानते हैं प्रेगनेंसी में। थोड़ा 130/90 में हम लोगों को दवा की ज़रूरत महसूस होती है, और अगर हम लोग बीपी कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसके काफ़ी खतरे होते हैं माँ पे भी और बच्चे पे भी, इवन दौरे आने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को बीपी के लिए काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। आंकड़ों के अनुसार 33.8% शहरी और 27.6% ग्रामीण आबादी ब्लड प्रेशर की शिकार है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो भारतीय इस समस्या का शिकार है। लोगों की मृत्यु की भी बड़ी वजह है। पिछले कुछ सालों में बदलती जीवन शैली ने लोगों को हाइपरटेंशन को बढ़ाया है। इसमें शारीरिक व्यायाम की कमी, अधिक नमक और वसा वाला जंक फूड, अल्कोहल और तम्बाकू के सेवन और मानसिक तनाव इस बीमारी के होने के प्रमुख कारण है। दिव्यन त्यागी, सी न्यूज, आगरा।